भोपाल में मानसून से पहले ही प्री मानसून एक्टिविटी से नाले उफान पर आने लगे हैं। सरकार जिला प्रशासन को मानसून के ठीक पहले नालों की याद आई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम के कमिश्नर के साथ प्रभात चौराहे पर नालों की सफाई अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के नालों का भी निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री सारंग ने कहा, बारिश से पहले ही नगर निगम नालों की लगातार सफाई कर पा रहा है। इससे पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश से कहीं भी पानी भरने की स्थिति नहीं बनी। उन्होंने कहा, अब नालों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, समयबद्ध तरीके से नालों की सफाई का डेटा भी तैयार किया जाएगा, जिससे मेंटेनेंस और सफाई सुनिश्चित की जा सके। मंत्री सारंग ने माना, शहर के कुछ नालों को मेंटेनेंस की जरूरत है। उन्होंने कहा, बीएमसी को नालों के चैनलाइजेशन के लिए बजट मिला है, नालों का चैनलाइजेशन किया जा रहा है, जिससे शहर के नाले नालियों को व्यवस्थित किया जा सके। विभिन्न नालों की समयबद्ध सफाई का एक पूरी तरह से प्लानिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक नाले की साल भर सफाई भी हो और उसका जो मेंटेनेंस है वो सुनिश्चित किया जाए। बहुत सारे नाले काफी सालों पहले से बने हुए हैं, उसमें कुछ कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, इसलिए आज ये निश्चित किया है कि हमारे पूरे भोपाल के नाले नालियों की एक प्लानिंग रिपोर्ट बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से और समयबद्ध तरीके से उनके रखरखाव और उनकी साफ सफाई की प्लानिंग रहे। भोपाल नगर निगम के माध्यम से भोपाल शहर में और नालों के चैनलाइजेशन के लिए एसडीआरएफ से भी बजट मिला है, उसके माध्यम से भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी नालों का चैनलाइजेशन हो सके। और विगत दिनों की जो समीक्षा है, जिसमें जिन जिन क्षेत्रों में पानी का भराव होता है वहां पर अब पानी का भराव ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ से पैसा मिला है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब भोपाल को और युक्तिकरण करके समस्त नाले नालियों को व्यवस्थित किया जाए। भोपाल का कोरोना कर्फ्यू हम विड्रॉ कर रहे हैं। वैसे तो 1 जून से क्रमबद्ध तरीके से ये कोरोना कर्फ्यू विड्रॉ हुआ था। व्यवसाय चले, संक्रमण ना बढ़े, ये हमारी पंचलाइन है और उसके लिए हमने भोपाल के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को निवेदन किया है कि वो जनजागरण में सरकार का साथ दे। और आज लगभग 150 समाजसेवी और स्वयंसेवी संगठन अपने विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न मार्केट में जाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यवसाय तो बहुत अच्छा चले, ग्राहक आए, दुकानदार सामान बेचें, परंतु कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। जहां एक और तीसरी वेव ना आए, उसके लिए जनजागरण और अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं संक्रमण की चेन को रोकने के लिए। तो यदि तीसरी लहर आती है तो उसके समुचित इलाज हो सके, उसके लिए समस्त मध्य प्रदेश में हम प्लानिंग कर रहे हैं। और इस बार हमने ये निश्चित किया है कि ये प्लानिंग जिले के स्तर पर नहीं होगी, बल्कि हम संस्थागत इंस्टीट्यूशनल बेस पर हम प्लानिंग करेंगे। हमारा हर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसकी हम अलग प्लानिंग कर रहे हैं। कि डीजल और पेट्रोल के दाम यदि मध्य प्रदेश में बढ़े तो उसका कारण तो कमलनाथ जी की सरकार है, जो वेट लगा हो तो उसकी उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको बढ़ाने का काम तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। जहां तक देश में पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ने की बात है, वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं। पर कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, जवाबी जमा खर्च कर जनता को गुमराह करना है। भोपाल के